हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू TA6। दोस्तों, हम सभी कभी कभी जो है वाईफाई का पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करें जहाँ पे हम अपने वाईफाई पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकें या कैसे हम उसे जान सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाईफाई पासवर्ड, जो कनेक्टेड वाईफाई पासवर्ड है मोबाइल में, उसे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको दो मेथड बता दूंगा, जो कि एक है Xiaomi डिवाइसेस के लिए और एक दूसरा है जो नॉर्मल डिवाइसेस के लिए। तो ये दोनों मेथड में जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके सही पैथ है, वो वाला यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हो और आप भी अपने जो खोया हुआ वाईफाई पासवर्ड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही सिंपल मेथड में। दोस्तों, इसमें आपको रूट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बिना रूट का मेथड है, तो इसमें आप यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल मेथड है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत चल जाएगा। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे मैं MI डिवाइसेस के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपका MI डिवाइस है तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड को निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरा, तो मेरा जो एंड्रॉयड है यहाँ पे एक वाईफाई से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं ऑफ करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कनेक्टेड वाईफाई है, इसका पासवर्ड हम कैसे फाइंड आउट करें वो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। आगे मैं आपको नॉर्मल एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए भी बता दूंगा। तो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक वाईफाई से कनेक्टेड है Error 204। तो इसका पासवर्ड कैसे देखें, तो जैसे आप यहाँ पे MI डिवाइसेस में टैप करते हो, जो कनेक्टेड डिवाइस है, कनेक्टेड वाईफाई है, उसे टैप करते हो तो आपको एक QR कोड आता है। तो ये वाला QR कोड आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये QR कोड में आपका पासवर्ड और बाकी सारे डिटेल्स स्टोर होता है। तो आपको ये वाला QR कोड को स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको स्कैनर पे चले जाना है, ठीक है। तो MI डिवाइसेस में स्कैनर ऑलरेडी डिफॉल्ट रहता है, तो आपको होम में जाके आपको स्कैनर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो स्कैनर जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे डाउन में आपको एक और फोटो का इमेज दिख रहा होगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपको QR कोड, जो भी स्क्रीनशॉट है, जो भी इमेजेस है, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको QR कोड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसका स्क्रीनशॉट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे कई सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और पासवर्ड स्टार में दिख रहा होगा। तो जैसे आप उस पर टैप करेंगे, आपको जो पासवर्ड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड जो है वो यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ से हम पासवर्ड देख सकते हैं और ये वाला आप स्टोर कर सकते हो या फिर आपके फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था MI डिवाइसेस के लिए। अभी मैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए भी बता देता हूँ। दोस्तों, ये सेकंड मेथड जो है एंड्रॉयड डिवाइसेस, सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मेरा एक वाईफाई में कनेक्टेड है हर्षा नाम का। तो यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स में चले जाना है, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ और वाईफाई सेटिंग्स में चले जाना है आपको। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक वाईफाई पे कनेक्टेड है मेरा जो मोबाइल है, तो हर्षा करके जो नाम है, वो जो रूटर है उस पे कनेक्टेड है मेरा वाईफाई। तो यहाँ पे आपको टैप कर लेना है, जो भी आपका कनेक्टेड डिवाइस है तो उसको आपको टैप कर लेना है, जो भी कनेक्टेड वाईफाई उस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके मोबाइल में, कई कई सारे मोबाइल में अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, तो आपको सिंपली एडवांस सेटिंग्स पर चले जाना है। यहाँ पे मेरे में डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको IP सेटिंग्स दिख रहा होगा ऑप्शन, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करते आपको यहाँ पे जो है DHCP दिख रहा होगा, तो उसको आपको स्टैटिक पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही स्टैटिक पे सेलेक्ट करेंगे, हमें और सारे ऑप्शंस खुल जाएगा, तो वहाँ पे आपको गेटवे करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो गेटवे मतलब जो है ये रूटर का IP एड्रेस है, तो आपका भी सेम ऐसे ही रहेगा गेटवे। तो सारे जो IP एड्रेस है 192 से स्टार्ट होता है, तो आपका भी ऐसे रहेगा। तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है या फिर कॉपी कर लेना है या तो फिर आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो नोट डाउन करने के बाद आपको सिंपली क्रोम पे चले जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, वो वाला IP एड्रेस जो है गेटवे का IP एड्रेस, तो उसको आपको क्रोम के वेब एड्रेस पे, मतलब जो सर्च बार है वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे एंटर करके सर्च कर देंगे, तो आपका एक आपका रूटर का जो प्लेटफॉर्म है वो खुल जाएगा। तो वहाँ पे आपको सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 90% जो है सारे रूटर्स का एडमिन पासवर्ड जो है पासवर्ड और यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड रहता है, ठीक है। तो आपको सेम वही करना है, तो आप एडमिन और पासवर्ड दोनों, यूज़र नेम में भी एडमिन डालिए और पासवर्ड भी में भी एडमिन डालिए। तो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द केसेस पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड यही रहता है एडमिन। तो ऐसे करके आप डालिए उसका, जैसे आप ऐसे करके डालेंगे उसके बाद जो आपका लॉगिन करेंगे, तो आपका जो है आपका एड्रेस खुल जाएगा, जो भी आपका रूटर का प्लेटफॉर्म है वो खुल जाएगा। उसके बाद आप अपना वाईफाई का पासवर्ड, जो भी आप भूल गए हो, तो वो वाला यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा रूटर का जो एड्रेस है वो खुल गया। तो वहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे वायरलेस सेटिंग्स पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पासवर्ड है वो यहाँ पे कम्प्लीटली शो हो रहा है, जो भी मैं भूल गया था वो यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं या तो फिर कुछ भी जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे करके जो है आप अपने वाईफाई पासवर्ड जो भी भूल गए हो तो उसे यहाँ से रिकवर कर सकते हो और आराम से आप यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए मैंने बनाया वीडियो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप कंप्यूटर से फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो वाला ट्रिक यूज़ करके निकाल सकते हो। दोस्तों, यही था सिंपल सा ट्रिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।